दीवान हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में भी तेज गिरावट पर कंपनी के एमडी एंड सीईओ ने जी बिजनेस पर आकर सफाई दी। कंपनी का कहना है कि एलएनएफएस के साथ कंपनी का किसी तरह का कोई लेन देन लोन का नहीं है, साथ ही कंपनी बैंकों के कर्ज का सही समय पर भुगतान भी कर रही है। सुनिए, जो हमें देखने को जो मिल रहा है वो हमें भी पता नहीं है ये कैसे हो रहा है। मार्केट रूमर्स है, सेंटिमेंट्स है। हालांकि आईएलएफएस के होते हुए इनका असर जो एनडीएफसी में पड़ रहा है वो दिखने में आ रहा है। हमारे जो कमर्शियल पेपर से वो हमारे 1 लाख के बोरोइंग जो है उस पर सिर्फ 8,000 करोड़ के ही कमर्शियल पेपर्स के बोरोइंग है। तब जो शायद पूरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की जो कंपनीज है उसमें शायद सबसे कम हमारी बोरोइंग होगी। कोई डिले नहीं है, जो रीपेमेंट जो ने होने हैं वही रीपेमेंट वही दिन पे वही टाइम पे रीपेमेंट हो रहे हैं। हमारे सारे अकाउंट्स जो हमारे लेंडर्स के साथ है वो एकदम परफेक्ट है। दे आर एब्सोल्युटली क्लीन क्लियर एंड ऑन ट्रैक। डीएचएफएल का आईएलएफएस के साथ ना तो कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना ही कोई इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर वो है कि हमने उनके पेपर में कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं ये साफ कहूंगा यहाँ पे कि डीएचएफएल हैज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और रिलेशनशिप व्हाट्सोएवर विद आईएलएफएस। डीएचएफएल के कोई भी शेयर्स चाहे वो प्रमोटर्स के एंगल के हो या होल्डिंग कंपनी के हो, नॉट अ सिंगल शेयर इज प्लेज्ड।